हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ कल्पवृक्ष, आज हम कल्पवृक्ष घूमने जाएंगे, तो चलो चलते हैं। चले गाइस, सब देख लेते हैं कि मुझे कोई लिफ्ट मिलती है या नहीं। वैसे तो इधर से आएगी लिफ्ट, लिफ्ट क्या जो भी, मुझे तो इधर जाना है मांगलेवास की तरफ, तो इधर से आएगी। तो अब देखते हैं कि कोई चाहती है या नहीं। गाइस, अभी हम आ चुके हैं कल्पवृक्ष स्थल मांगलेवास।
तो आपने देख लिया होगा कि ये कैसा मंदिर है, ये मैंने पूरी वीडियो बना दी इसकी। लेकिन अब है ना, हम पंडित पंडित जी से मिलेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है और कैसे क्या ये बना और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए अब हम पंडित जी से मिल लेते हैं। चले गाइस, अब हम देख लेते हैं कि इस पूरी जगह का इतिहास क्या है। जी महाराज जी, चालू कर दिया। हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ पे देखना आप लोग। गांव का नाम मांगलियावास है, जिला अजमेर है। पेड़ का नाम कलवृक्ष है। भगवान कृष्ण का जमाना को 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। यहाँ पहले दो वृक्ष थे, नर एक मादा। नर 2005 में गिर गया, फिर 8 में दूसरा लगा दिया। 12 साल का पेड़ खड़ा है। ये नारी है, 25 फुट मोटी है, हाथी जैसा चमड़ा है और ये स्त्री योनि का निशान बना सामने देखो। दिसंबर से जून पतझड़ हो जावे, जुलाई से नवंबर हरियर होवे, मई जून में लाखों फूल आवे, फड़ 12 साल में एक आवे। बटी का भी आप दर्शन करे हो, फड़ 12 साल गाड़ी बांध दीजिए, फड़ 12 साल में एक आवे। सावंडी अमावस मेड़ो भरे, ये देवता राक्षस समुद्र मंथन कर 14 रत्न ले रहे। आप नाम सुनो, कलबुज का पेड़, कामधेनु गाय, एरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा, जहर, अमृत लक्ष्मी, कौशमणि, वारुणी कन्या, शर्मा, दारू, संगम्बा, अप्सरा, भगवान विष्णु, 14 रत्न बंटवारो करो। 14 में 4 अशोक का राजा इंद्रदेव ने दिया। कलबिश रो पेड़, कामधेनु गाय, एरावत हाथी, उच्च सर्वा घोड़ा, जहर, भगवान शंकर पीधो, अमृत देवता ने पायो, लक्ष्मी कौशमणि भगवान विष्णु राखी, और बाकी चीज़ें देवतारा भाई राक्षस ने दे दी। ये देवता राक्षस कौन है? आपस में सगे भाई है, कश्यप ऋषि की संतान है। ये कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी का पोता है। ब्रह्मा जी का पोता 13 पत्नी ही, अदिति नाम की पत्नी देवता या और अदिति का राक्षस या बाप एक है, माधव है, उन्हें आपस में सगा भाई है। देवताओं के लिए भगवान स्वर्गलोक बनाए, आकाश के ऊपर है। राक्षसों के सुतलोक धरती के नीचे है। राक्षसों का नाम सुनो, हरणा कश्यप, हरणाक्ष जी के प्रहलाद भगत जन्मे हो। पूरे बाद में भगवान का अवतार ये मथुरा में, ये बड़ा भैया गुजरात में द्वारका नगरी बसाई। तो अपनी पत्नी सत्य मामाजी के बम पेड़ ने सुरक्षित द्वारका में लाया। ये द्वारका इस पेड़ उठकर उठाया उड़ा है। अगर कोई मनोकामना मांगे, कोई बेटा पोता बड़ पोता ब्याह शादी धंधो पानी हारी बीमारी टावरे ब्याह टावरे पड़े लो लुए झगड़ो कंवारे छोड़े हीरो ना पत्नी मांगे कैटरीना कैप जड़ी कंवारे छोड़े अभिषेक बच्चन जब दूल्हो मांगे मेरे वास्ते मोड़ी वाली बंद है आयरी छोटी सिकाणी है। ठीक है ठीक है। तो देखा आपने कि इसका कैसा इतिहास है।